5 years back we used to work out together. हम लोग जिम में थे साथ में. सुशांत ने मुझे वर्कआउट सिखाया है. सुशांत ने मुझे बहुत सारी बातें की हैं, इंस्पिरेशन दिए हैं. और बिकॉज व्हेन आई फर्स्टली केम डाउन टू मुंबई इन 2011 मैं न्यूकमर था और मुझे कुछ नहीं पता था. सुशांत दैट टाइम यूज टू डू पवित्र था और उस वक्त उन्होंने मुझे बताया था आई वाज सो मच क्रेविंग इनटू फिल्म बट फिल्म्स करनी है. बट ही गॉट मी दैट सीडी होती है जो सुशांत भी शाहरुख से इंस्पायर हुआ था पहले थिएटर फिर टीवी फिर फिल्म. तो ही कन्विंस मी टू डू टीवी एंड आई वाज ट्राइंग एंड आई स्टार्टेड डूइंग टीवी आल्सो. तो फिर मैंने सुशांत ने जो पवित्र रिश्ता किया फिर मैंने बालाजी का कसम भी किया. बट इस दिस फिल्म आई एम नॉट डूइंग फॉर मनी एंड दिस फिल्म इज नॉट हेल्पिंग मी आई गेस फॉर एनीथिंग. व्हाट आई व्हाई आई एम डूइंग दिस फिल्म बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली कनेक्टेड और जितनी ज़्यादा ऑडियंस की सिंपैथी है जितनी ज़्यादा सॉरोनेस है जितना ज़्यादा बुरा लगता है उतना ही मुझे भी बुरा लगता है. आप लोगों को सब लोग जजमेंट कर रहे हैं आज की डेट में सब लोग खुद का रिजल्ट बनाते हैं बट दे विन मेक दिस गाय आई हैव सीन इट आई हैड अ वर्ड विद हिम. मैंने वॉक टॉक से लेके सारी चीज़ें देखी है सुशांत. तो मैंने इट्स अ पर्सनल कनेक्शन विच आई एम थिंकिंग आई एम गिविंग ट्रिब्यूट टू सुशांत बाई प्लेइंग माई ओन सेल्फ प्लेइंग बाई माई सेल्फ इन हिज स्किन दैट्स ऑल आई विल से. देखिए स्क्रिप्ट में जो हमारे प्रोड्यूसर सर हैं वही राइटर हैं बेस्ट लॉयर अशोक सर और उनसे ज़्यादा मैं नहीं जानता बिकॉज ही हैज स्टडीड दिस केस वेरी क्लोजली. बहुत ज़्यादा बारीकी से उन्होंने केस पढ़ा है और उसी वजह से उन्होंने स्टोरी लिखी है. तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे भी नहीं पता जो सर को पता है और आई गेस इतना कुछ नहीं दिखा रहे जो ऑलरेडी पब्लिक में है ऑलरेडी पीपल में कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ और क्या हो सकता है तो वही फिल्म में दिखाया जाएगा. अदरवाइज जैसे सब है वैसे ही हम लोग भी हैं कि फिल्म जो नाम बोलती है न्याय का जस्टिस जस्टिस मिले. और आई हैव फुल फेथ और माई इंडियन लॉ सीबीआई जो कहीं ना कहीं इसे आंसर निकाल के रहेगा. तो